महाभारत में कहे श्री कृष्ण जी के 16 अनमोल वचन। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। सेकंड, आत्मा अमर है इसलिए मरने की चिंता मत करो। थर्ड, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। फोर, नर के द्वार 3 हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन किया जाए। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बने। मन की गतिविधियों, होश और भावनाओं के मध्य से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने आशाएं ही उनसे रखी हैं जिनसे नहीं रखनी थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांतिचित मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें जो चाहिए वो ना मिले और फिर भी हम भगवान का शुक्रिया करें। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी नहीं छुप सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर होकर के ही रहेगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कोशिश कितनी भी कर लो, वे कभी नहीं बनते। और प्रेम में बंधे रिश्ते कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन ना करें, क्योंकि कुछ विषय भगवान के हाथ में होते हैं। और ये भी कहा गया है कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान खुद ही हमारी मदद करने चले आते हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है ना कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हो, आप वह बन जाते हो जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नहीं शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। दुख सुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना उचित है। निर्भरता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भर सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना मृत्यु के लिए शोक करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, कर्म ऐसे जो स्वार्थ रहित पाप रहित हों। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उस तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्वान हूँ, मैं चींटी में भी विद्वान हूँ और हाथी में भी विद्वान हूँ। मेरे भी कोई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है, ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्म हमेशा अच्छे हों। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा संसार को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है।
ये वचन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के ये उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है, जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ना केवल ज्ञान की बातें बताई, उसके साथ ही जीवन जीने की कला के बारे में भी बताया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।